नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, राजस्थान की युवा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी अपनी ईमानदारी और कार्यशैली की वजह से मोदी जी के करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे तमाम अभियानों में मनोज राजौरिया जी की सलाह भी लेते हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मनोज राजौरिया एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व के नेता हैं। वो उन सियासतदानों में से हैं जो राजनीति को साफ सुथरी बनाने के मकसद से सियासत में आए। राजौरिया ने 1987 में जयपुर माहेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा के बाद मध्य प्रदेश के होम्योपैथी कॉलेज से 2003 में BHMS की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से होम्योपैथ में MD की डिग्री हासिल की। लेकिन जब BJP ने 2014 में डॉक्टर राजौरिया को दूसरी बार राजस्थान की करौली धौलपुर सीट से उम्मीदवार बनाया तो जनता ने उन्हें संसद में पहुंचा दिया। डॉक्टर राजौरिया यहीं नहीं रुके और उन्होंने काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के अभियान से जुड़ने के लिए जब लिखित तौर पर अपनी रुचि और विचार प्रधानमंत्री को दिए तो उन्होंने ना सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थायी समिति में शामिल कर उन्हें मेडिकल काउंसिल और मेडिकल एजुकेशन में काले धन के प्रभाव को रोकने के सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी। बाद में समिति के अन्य सदस्यों के साथ डॉक्टर राजौरिया ने अपने मिशन को अंजाम दिया। इस अभियान में उन पर दबाव पड़े, लेकिन डॉक्टर राजौरिया के शब्दों में प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के आगे कोई भी दबाव बेकार है। अब डॉक्टर राजौरिया मोदी के काले धन के खिलाफ अभियान को सफल बनाने को ही अपना मिशन मानते हैं। मौजूदा समय में राजौरिया केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की सलाहकार समिति और एम्स जयपुर के सदस्य भी हैं। ये था डॉक्टर मनोज राजौरिया जी का राजनीतिक जीवन। डॉक्टर साहब, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टरी पेशे में थे और अचानक राजनीति में आने का विचार कैसे हुआ? देखिए, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता था और समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को देखता था कि वो राजनीति को दूर से रह के गंदा समझ के और इसकी बुराई करते थे, दूर रहते थे। इसकी शुद्धता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तभी मेरे जीवन में एक विचार आया, एक प्रेरणा आई कि क्यों नहीं इस गंदगी को जिसको लोग नाम देते हैं उसमें उतर के खुद सफाई करने का हम काम करें। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो राष्ट्रभक्ति की विचारधारा थी, और श्रेष्ठ लोगों की पार्टी और देशभक्त लोगों की पार्टी की प्रेरणा से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर मैंने बचपन से काम किया। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसमें आपकी भूमिका क्या रही? मोदी जी ने आपसे क्या सलाह ली? देखिए, मार्च 2016 में मुझ सहित काफ़ी सांसदों ने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की और एक अपना विचार हमने उनको लिखित में भी पेश किया, अपनी बात उनके सामने पेश की कि देश में काले धन के क्या क्या स्रोत हैं। और लगभग 28 प्रकार के स्रोत हमने ऐसे ढूंढ के उनको दिए और क्या क्या उसकी रेमेडीज हो सकती है, क्या समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने उन चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली समझा, उनको लिया, हमने लिखित में उनको दिया और उनको उनके सामने स्पष्ट किया। और चूंकि प्रधानमंत्री बहुत दूरदृष्टि हैं, बहुत गंभीर हैं और देश हित में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की ईमानदारी, उन्हीं से हम लोग बड़े उत्साहित थे और हमने वो काम करके उनको दिया। और प्रधानमंत्री जी ने कैसा निर्णय लिया कि देश की सारे काले धन और काले लोगों को एक साथ ठिकाने लगाने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। तो ये सर्जिकल जो स्ट्राइक हुई काले धन पर, इसकी शुरुआत कब प्रधानमंत्री जी ने की थी? लगभग 1.5 साल पहले, जब सभी लोग अपना अपना काम करते थे, हमारे पार्टी के सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सभी मंत्रालयों को अलग अलग काम के मिल रहा है, सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सांसद है जिनको जो काम मिला वो अपने अपने क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, प्लस दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमको भी ऐसा लगा कि हम किस क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। एक नई टीम हमारी बनी, गुप्त रूप से सब टीम ने काम किया और उस टीम ने अंदर ही अंदर ऐसे स्रोत माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने पेश किए, पूरा रिसर्च पेश किया कि देश में लगभग 86% जो पैसा था 500 और 1000 रुपये के नोट
के रूप में चल रहा था, 14% पैसा ही 100 रुपये उससे नीचे के नोट में चल रहा था, और किस प्रकार काला धन क्रिएट हो रहा है, स्रोत क्या है काला धन का, उन सब की भी रिसर्च की गई, स्रोत की जानकारी दी गई, कैसे उनको रोका जा सकता है वो दिया गया। नजर साहब, जिस तरीके से काले धन पे स्ट्राइक हुई, इसमें एक वर्ग विशेष था जिसने कभी सरकारी नियम कानूनों का पालन नहीं किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, आज वो आपसे नाराज है, कहीं न कहीं पार्टी का नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा विचारधारा है, हमारी जो सोच है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्वप्रथम है। मेरा कहना है, मेरा इशारा था व्यापारी वर्ग। मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा, हमारी पार्टी की विचारधारा में देश सर्वप्रथम आता है, फिर पार्टी आती है और फिर हम लोग आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि देश सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता है। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, इनको कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ें। काला धन का मतलब क्या होता है कि देश की आर्थिक उन्नति से उसको छुपा कर पैदा किया गया, उसको छुपा कर तिजोरी में रखा गया, चाहे वो कैश के रूप में हो। कैश भी एक देश की संपत्ति है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वादा करता है, एक प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक नगद घूमना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े लोग उसको अपनी तिजोरियों में कैद करके रख लेते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता था। आप कल्पना नहीं कर सके, 1 रुपया जब निकल के कहीं जाता है तो 100 लोगों के हाथ में जाता है तो उसकी वैल्यू 100 रुपया हो जाती है, और अगर वही 1 रुपया अगर किसी की तिजोरी में बंद रह गया तो उसकी 1 रुपये की वैल्यू भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उसको काली व्यवस्था बोलते हैं। अभी हम माने कि अभी और कई चीज़ें और आ रही हैं जिनसे निश्चित रूप से खुलासा होगा। निश्चित रूप से अवस्थी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बेनामी संपत्तियाँ हैं, कुछ लोग अपने नौकरों के नाम से, किसी रिश्तेदार के नाम से, किसी और किसी के नाम से अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे को ज़मीनों के अंदर लगाते थे, उनकी भी मुझे लगता है कि जल्दी ही खबर लेने जाने के लिए प्रधानमंत्री जी की उन पर नज़र है। डॉक्टर साहब, क्या आप नहीं मानते कि जिस तरीके से काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कहीं ना कहीं व्यवस्था में थोड़ी कमी रही, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही, जिससे आम आदमी को कठिनाई का सामना करना पड़ा? देखिए, आप कोई भी नया काम करते हैं, आप एक पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनाने वाले हैं। एक पुराना 70 साल की अर्थव्यवस्था, 70 साल का सिस्टम था जो कि बहुत सारी खामियों से भरा पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी थी जिसकी वजह से काला धन बनता था। प्रधानमंत्री की नीयत और कार्यशक्ति का परिणाम था कि उन्होंने ऐसी घोषणा की, रातों रात लोगों की जो काला धन इकट्ठा करते थे, काले लोग थे, उनकी कमर टूट गई। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं, कुछ विपक्षी राजनेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काले धन स्ट्राइक किया है, तरीका गलत था, इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ उन सभी विपक्षी दलों का और उन नेताओं का जो इसको गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज़ नहीं सुनी, उन्होंने अपनी निजी स्वार्थों को देख रहे हैं। आज मुझे बड़ी शर्म आती है कि देश के बड़े बड़े नेता जो ऐसी बात बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमें और समय मिल जाता, प्रधानमंत्री जी इससे गरीब आदमी परेशान हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इससे परेशान कौन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि काला धन सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी और बसपा के पास था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेताओं के पास काला धन नहीं? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा कि किसके पास था और किसके पास नहीं था, ये तो कोई भी ऑफिशियल आंकड़े नहीं बता सकते हैं। जिसके पास था उसको खुद को मालूम था कि किसके पास था और किसके पास नहीं था। जिसके चेहरे पर खुशी है, जिसके चेहरे पर निश्चिंत है, मान समझिए उसके पास कुछ नहीं था। राजौरी जी, यहाँ पर लेना होगा छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सर्जिकल स्ट्राइक ने देश के बड़े लोगों में सुमार एक व्यक्ति का किला ढा दिया और लोगों को इसकी खबर भी न लगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। राजौरी जी से बातचीत करने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से मोदी जी की इस सर्जिकल स्ट्राइक ने किस व्यक्ति का किला कैसे ढा दिया और लोगों को पता भी न चला। आइए देखते हैं। मेडिकल की महंगी शिक्षा में काले धन का बड़ा कारोबार। छात्र देते थे डोनेशन तो कॉलेज संचालक देते थे रिश्वत। 60,000 करोड़ से ज्यादा का बन गया था अवैध उद्योग। साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक से ध्वस्त हुआ काले धन का सफेद किला। नीट से की गई मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था साफ सुथरी। जी हां, पाकिस्तान की सरजमी पर घुसकर दुश्मनों को खामोश कर देने वाली
सर्जिकल स्ट्राइक के पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी खास टीम के जरिए मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सफाई के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। चुनिंदा सांसदों की टीम के जरिए उन्होंने मेडिकल शिक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कामकाज के तरीके में बदलाव कर दिया और उसी का नतीजा निकला था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले मेडिकल कॉलेज और राज्य सरकार अलग अलग परीक्षाओं के जरिए छात्रों को दाखिला देती रही है और हजारों करोड़ रुपए का काले धन का लेन देन भी होता रहा। बिल्कुल लगाम लगेगी और ये लगातार प्रयास है। मैंने देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का कि जो इस टाइप के जो भ्रष्ट तंत्र है, आप इसको भी मानने जो हमारा चल रहा है, तो भ्रष्टाचार को रोकने का एक तरीका है ये। और हम ये जरूर कहेंगे कि जो इस तरह की चीज़ें थी कि जिसमें कि हमारे पास कुछ लोग भ्रष्ट इसमें आ गए थे, उस पर लगाम लगाने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। एक बहुत बड़ा रैकेट ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है और उसको अब समय आ गया है कि इसको रोका जाए और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें तरफ कदम उठाएगी और उसको रोकेगी इस टाइप के रैकेट्स को। अब आपको बताते चलें काले धन के इस कारोबार के बारे में। देश भर में 462 मेडिकल कॉलेज में MBBS की 63,535 सीटें हैं और इनमें आधे से ज्यादा सीटें गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पास है। गैर सरकारी कॉलेज में प्रति छात्र 30 से 40 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम काले धन के रूप में ली जाती थी। 2016 में नीट परीक्षा ली गई और देश भर में अलग अलग कोर्सों के लिए 4,09,000 छात्रों को सफल घोषित किया गया। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर थी, लेकिन पैसे न मिलने के कारण गैर सरकारी कॉलेजों में बहुत सी सीटों पर अभी भी एडमिशन नहीं लिया गया और सीटें खाली रह गईं। केंद्र सरकार इस पर भी नजर रखे हुए है। इस कारोबार का एक सिरा पहुंचता है मेडिकल काउंसिल तक। मेडिकल काउंसिल अब तक मेडिकल कॉलेजों के लिए सर्वे सर्वा बना रहा, लेकिन मोदी सरकार ने मेडिकल काउंसिल में बहुत सी तब्दीलियां की हैं और व्यवस्था को आसान बनाया है। इसी सुधार के क्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को एक नया आयोग का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। अगर संसद द्वारा इस प्रस्ताव को कानून बना दिया जाता है तो नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से एक नई संस्था मेडिकल काउंसिल का स्थान ले लेगा। अब आपको बताते हैं कि मेडिकल काउंसिल को समाप्त कर नए आयोग की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल मेडिकल काउंसिल मेडिकल कॉलेजों के लिए दरोगा बन गया था। इसकी कमान बहुत लंबे समय तक गुजरात के एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर केतन देसाई के हाथों में रही और केतन देसाई की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी बेटी की शादी में देश के बहुत से मुख्यमंत्रियों समेत बड़े बड़े नामी गिरामी और ताकतवर लोग शामिल हुए थे। यह अलग बात है कि डॉक्टर देसाई को रिश्वत देने के आरोप में CBI ने गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद काउंसिल की कमान अलग अलग हाथों में रही, लेकिन जानकारों की माने तो दबदबा केतन देसाई का ही रहा। केतन देसाई जी के बारे में आप लोगों को जिसने बताया है वो सब विचाराधीन है। सब ये कानून के तहत जो भी निर्णय लेगी वो तो अलग चीज़ है, न्याय प्रक्रिया। पर हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि MCI में जो भी हो, जैसे कि भ्रष्टाचार की बात, कोई भी किसी भी लेवल पे हम कहेंगे कि भ्रष्ट जो अधिकारी हैं या कोई भी नेता इस टाइप का जो लीडरशिप, इसमें भ्रष्ट तंत्र को हम चाहते हैं पूर्ण रूप से हटे और स्वच्छ छवि वाले जिन पे कोई उंगली ना उठा पाए ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करें और इससे हमारी छवि, डॉक्टर्स की छवि, MCI की छवि खासतौर से साफ होगी। और केतन देसाई साहब जब MCI का गठन हुआ था तो उस समय से उसके चेयरमैन रहे और एक बहुत लंबे पीरियड तक वो चेयरमैन रहे। तो जब कोई इंसान इतने लंबे समय तक चेयरमैन रहता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उसके पास कंट्रोल होता है तो आने वाले टाइम में जो भी और दूसरे चेयरमैन होते हैं तो बहुत बार ये होता है कि वो अपने हाथ में उनका कंट्रोल लेकर चलता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि केतन देसाई साहब जब वो चेयरमैन नहीं भी थे तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बाकी बाद में भी, बाद के सभी पीरियड में भी उनका कंट्रोल, फंक्शनल कंट्रोल रहा। जानकार सूत्रों की माने तो नीट को पूरी तरह साफ सुथरा रखने के लिए MBBS की डिग्री ले लेने के बाद भी एक एग्जिट एग्जाम की योजना है। एग्जिट परीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि अगर किसी ने पैसों के जोर पर दाखिला ले भी लिया तो बिना अच्छी तरह पढ़े वो डॉक्टर नहीं बन सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की मंशा है
कि जो भी डॉक्टर बने उसे बहुत कड़ी परीक्षा देनी पड़े और वो लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखे, और इसका असर सभी मेडिकल कोर्सों पर होगा। हालांकि नए आयोग के गठन के प्रस्ताव के बाद से मेडिकल काउंसिल से जुड़े पदाधिकारी अपनी अपनी दलील दे रहे हैं और नए आयोग का ये कहकर विरोध कर रहे हैं कि मेडिकल शिक्षा का प्रशासन मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के हाथों में ही रहे। अभी तो सरकार सबकी दलील अनसुनी कर रही है और उसका मकसद मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को हर तरह से नीट एंड क्लीन करना है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक छत्राधिकार था कि किसको मान्यता देनी है किसको नहीं देनी है वो ये तय करते थे, इसमें भी माना जा रहा था एक बड़ा काला धन है, लोग काला धन लेकर एडमिशन कराते थे। इस पूरे अभियान में मोदी जी ने आपको लगाया और आपने एक बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन किया, क्या था पूरा मामला? देखिए, जब 2014 में श्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी स्पष्ट नीति थी कि देश में काले लोगों को और काले धन को समाप्त करना है, और मैं मेडिकल डॉक्टर होने के नाते पार्लियामेंट की हेल्थ एंड स्टैंडिंग कमेटी में एक सदस्य हूँ, और हमारे रुचि का विषय था क्योंकि हमने ऐसी कमेटी में काम करे जिसमें हम एक सांसद होने के नाते अपना योगदान दे सकें। हमारी टीम के सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ, हमारी कमेटी के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की भावना समझी और देश के सामने एक सबसे बड़ा संकट जो 70 साल आज़ादी के बाद में भी देश का आम नागरिक स्वास्थ्य समस्याओं से सफ़र कर रहा था, जो उनको चिकित्सा सुविधाएँ चाहिए थी उनसे सफ़र कर रहा था, और इसके पीछे सबसे बड़ा कोई कारण था वो एक ऐसी बेनामी एक अर्थव्यवस्था चल रही थी जो लगभग स्पष्ट आंकड़े नहीं है लेकिन हजारों करोड़ प्रति वर्ष के रूप में, लगभग हजारों करोड़, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर आप ये सकता है पूछे कि कितना अमाउंट था, लेकिन हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष देश में उन मेडिकल कॉलेज के द्वारा लिया जा रहा था जो कि योग्य लोग नहीं थे, और उन अयोग्य लोगों को भी मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन देकर अवैध रूप से उनसे जो पैसा लिया जाता था वो भी एक काला धन था। कभी एक MBBS सीट के लिए 50 लाख 60 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लोग, अमीर परिवारों के लोग देते थे ताकि उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएं। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो 1.5 करोड़ रुपया 1-1 करोड़ रुपया देकर जब MBBS में एडमिशन लेता था तो वो काला धन कहाँ से आता था, और वो लोग योग्य लोगों का अधिकार, जो ईमानदार बच्चे थे, ईमानदारी से गरीब परिवारों के बच्चे थे जो मेहनत करके पढ़ते थे, उनका अधिकार को छीन के पैसे के दम पर उनको वंचित कर दिया जाता था। देश की आज़ादी के 70 साल बाद में भी एक ऐसा ग्रोह चल रहा था जो देश में मेडिकल शिक्षा के नाम पर एक काले धन का बेस प्रवाह निसंकोच कर रहा था, और देश की किसी सरकार में इतनी आत्मविश्वास और शक्ति नहीं थी कि उसको नेस्तनाबूद कर सके। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आत्मविश्वास, उनकी प्रेरणा से हमारे सब लोगों में इतना आत्मविश्वास जागा कि हम ऐसा काम कर पाए कि उस काले धन को हमने रोका, और आज लगभग 60,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का काला धन जो इसमें लगता था उस धन को इस देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी कमेटी ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जस्टिस लोढ़ा जी के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, उस कमेटी ने MCI की जो फंक्शनिंग पर एक कमांड लगाने का काम शुरू किया, और उसका सबसे बड़ा परिणाम आपने पिछले दिनों देखा होगा कि देश में जब मेडिकल एग्जाम लेना होता था तो मैं आपको उसकी थोड़ी प्रक्रिया समझाना चाहूँगा कि पिछले साल से पहले प्रत्येक राज्य अपने अपने तरीके से अपने स्टेट के एग्जाम करवाते थे और प्रत्येक स्टेट अपने तरीके से बच्चों का एडमिशन करता था, और उस एडमिशन में धांधलियाँ होती थी, उसमें योग्य लोग रह जाते थे, अयोग्य लोग पैसे के दम पर आ जाते थे, यही काला काम था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने वो काम किया कि देश को एक ऐसी प्रणाली दी जिसका नाम आपने सुना होगा, नीट नाम से हम बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक नीट नाम से एग्जाम दिया जिसमें कि पूरे देश के बच्चे जो अलग अलग राज्यों में फॉर्म भरने की अब उनका आवश्यकता नहीं रही, अलग अलग राज्यों के बच्चे पूरे देश में से कहीं भी एक एग्जाम उनका कर दिया, आज उनकी काउंसलिंग पूरे अलग तरीके से कर दी गई है, पूरे देश की एक मेरिट बन गई, और पूरे देश की मेरिट के बाद पे जो बच्चे योग्य होंगे उनकी मेरिट राज्यों को जाएगी, और राज्य 85% लोगों को अपने यहाँ से
उसी राज्य के बच्चों को सिलेक्शन देंगे और 15% बच्चे जो होंगे वो पूरे देश के कहीं भी जा सकते हैं। इस प्रकार की एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कर दी, जिसके कि लोगों के जो कॉलेजों के लोग जो डोनेशन लेते थे उनका तरीका ही उन्होंने समाप्त कर दिया। ये एक तरीके से बहुत बड़े काले धन के ऊपर प्रधानमंत्री जी की चोट थी। डॉक्टर साहब ये बात सही है, निश्चित रूप से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी कि आम आदमी का बच्चा मेडिकल की सोच भी नहीं रखता था कि फीस से ज़्यादा डोनेशन उसको देना पड़ता था, वो काला धन उसके पास था नहीं। जिन लोगों के पास काला धन था वही बच्चे एडमिशन लेते थे और डॉक्टर बन जाते थे। तो निश्चित रूप से समाज के लिए भी अच्छा नहीं था कि जो लोग योग्य नहीं हैं और एक पैसे के दम पर डॉक्टर बन जाएं। लेकिन एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से एडमिशन्स में मारामारी होती थी, इस बार जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, जितने बच्चे क्वालिफाई हुए देश में, उसके बाद भी मेडिकल जो स्कूल हैं कॉलेज हैं उनमें सीट्स भी नहीं भर पाई। देखिए, एक पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है और इस व्यवस्था में नीट में व्यवस्था की गई है कि नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम लिया गया, उसकी एक मेरिट लिस्ट बनाई गई और मेरिट लिस्ट बना के वो मेरिट लिस्ट राज्यों को दे दी गई है और काउंसलिंग की जो पावर है वो राज्य सरकारों को दी गई है। वहाँ जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्ट जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार को ये पावर दी गई कि वो अपने लेवल पर काउंसलिंग करें। जो सीटें खाली रह गई हैं कुछ तकनीकी कमियों के कारण, क्योंकि MCI ने जो लास्ट डेट जो काउंसलिंग की थी वो निकल चुकी थी, तो मैं प्रयत्न करूंगा मंत्री जी से मिलकर कि उस डेट को बढ़ाएं ताकि वो जो सीटें खाली रह गई है पूरे देश के ऐसे लोग जो इन खाली सीटों पर एडमिशन पा सकते हैं, देश के लगभग हजारों डॉक्टर जो बनने से वंचित रह सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो निश्चित रूप से बने। इसी व्यवस्था के साथ जो BDS की सीट हुआ करती थी, BDS की सीट भी अपेक्षाकृत पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी खाली रह गई। देखिए, MBBS और BDS के दोनों एक साथ थी, इसलिए हम अलग अलग नहीं कह सकते। ये जो सारी खाली सीटें रह गई ये एक साथ हैं और जो ही उसका समाधान होगा इसके ऑटोमेटिकली इसका साथ हो जाएगा। वो एक राज्य सरकारों की काउंसलिंग की डेट बढ़ने का विषय था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लेंगे और हम उनके सामने ये चीज़ पेश करेंगे और सही परिणाम इसके आएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल कि मेडिकल जो शिक्षा है इसकी दुनिया में एक बड़ा नाम केतन देसाई का लिया जाता है और केतन देसाई जी के पास के बारे में और उनके संबंधों के बारे में आपको भी पता है, सबको पता है कितना प्रभाव था पूरा इस मेडिकल शिक्षा पर उनका और एकदम अचानक लगभग ख़त्म सा हो गया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आप पे दबाव नहीं पड़ा होगा? देखिए, मैं किसी नाम की चर्चा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ काम की चर्चा करूँगा और काम यह है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी ईमानदारी और देशभक्ति और जज्बा जब मिलता है हमको, तो मुझे लगता है कि कितना भी बड़ा नाम हो, कितने भी बड़े लोग हों, वो उसके उनकी इच्छा शक्ति के आगे टिक नहीं सकते। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो कमियां रही थी वो कमियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि देश में समानता से सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएँ और आज हमारी कोशिश है कि देश के प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी राज्य सरकारों से जब भी सहयोग की कोई अपेक्षा होती है राज्य सरकारों को तुरंत सहयोग करते हैं कि अधिकतर राज्य सरकारें चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक ज़िले में खोलें ताकि जनता को अधिकतम डॉक्टर्स मिलें, उच्च शिक्षित डॉक्टर्स मिलें, देश की सेवा करने वाले डॉक्टर्स मिलें। और उम्मीद करता हूँ कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक डॉक्टर जब किसी राज्य से बनता है तो अलग राज्य में जाता तो वो अलग रजिस्ट्रेशन करवाता, उसको हमने पिक किया है कि किस तरीके से एक नेशनल लेवल रजिस्टर बने, जो एक डॉक्टर पूरे देश में कहीं से भी डॉक्टर बने नेशनल रजिस्टर में वो रजिस्टर हो जाए और नेशनल रजिस्टर में वो रजिस्टर होगा तो पूरे देश में वो काम कर सके। ऐसे छोटे छोटे सुधार, एक ट्रांसपेरेंसी हमने शुरुआत की है और मैं आशा करता हूँ कि जो कदम प्रधानमंत्री जी के देश में नेतृत्व में हमने बढ़ाया है आगे भी बढ़ेगा और आने वाले समय में जो देश का जो मेडिकल एजुकेशन है अन्य विश्व की एक अग्रणी बनकर आने वाले समय में हमारा भारत उस क्षेत्र में भी नेतृत्व करेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और डॉक्टर साहब से मेडिकल शिक्षा के ऊपर हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे केतन देसाई जी की। केतन देसाई जी अगर ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो MCI में कोई उनके पास पद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज भी उनका वर्चस्व पूरा है। देखिए, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि आज भी उनका वर्चस्व पूरा है।
इतिहास क्या रहा है इस पर हम जानने नहीं चाहते हैं, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज वर्चस्व अगर है तो ईमानदारी का है, आज वर्चस्व है तो ट्रांसपेरेंसी का, आज वर्चस्व है तो सच्चाई का है। मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के लोग देसाई जी को भगवान के रूप में मानते हैं, उनको भगवान के नाम से पुकारा जाता है, उनके आगे और पीछे लोगों का तांता लगा रहता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि किससे मिलने के लिए किसकी लाइन लगी रहती है, ये तो एक प्रकृति का नियम है कि जिसका जिससे काम होता है उसके पीछे लाइन लगता था, लेकिन आज के बारे में मैं कह सकता हूँ कि आज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी लाइन लगती है। आज पूरे देश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप सर्वे कर लीजिए, उनसे इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे फीडबैक ले लीजिए कि आज देश के सभी कॉलेज इस चीज़ से मुक्त हो चुके हैं, आज की व्यवस्था इतनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आज ऑनलाइन तरीके से कोई भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना कॉलेज के लिए, चाहे नई कॉलेज की एफिलिएशन का मुद्दा हो, चाहे सीटों को बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे पीजी कोर्सेज को सीट्स लेने का मुद्दा हो, कोई भी काम हो, आज ऑनलाइन कोई भी मेडिकल कॉलेज का व्यक्ति, कोई संस्था सीधे एप्लीकेशन डाल सकती है, उस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, कब उनका काम होगा वो देख सकती है। डॉक्टर साहब, क्या माने कि जो MCI ने जिन कॉलेज को मान्यता नहीं दी और आपने एक कमेटी बना के उनको मान्यता दे दी, उनके साथ न्याय किया, लेकिन इससे पहले लोगों का कुछ आरोप है, कुछ ऐसे कॉलेज थे जो नॉर्म्स नहीं आते थे और MCI ने उनको मान्यता दे दी, क्या आपकी कमेटी उन पर कार्रवाई करेगी, उनके ऊपर जाँच करेगी? देखिए, कमेटी को कार्रवाई और जाँच का अधिकार नहीं है, लेकिन कमेटी को सिफारिश का अधिकार है और कमेटी ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें ये सभी पहलू शामिल किए गए हैं कि किस तरीके से गलत लोगों को लाभ दिया गया, किस तरीके से सही लोगों को रुकावटें पैदा की गई, ये दो तरीके थे। इसी व्यवस्था को रोकने के लिए हमने सिफारिशें दी है और भविष्य में भी ऐसी कोई चीज़ आएगी कि गलत लोगों को लाभ देने का कोई कार्य किया जाएगा तो उसको हम पूरी ताकत से रोकेंगे। आपकी जो व्यवस्था की गई उसमें निश्चित रूप से ज़्यादातर कॉलेज के मालिकान हैं वो खुश हैं, लेकिन कुछ लोग अप्रसन्न इस बात से हैं, जो जिनके कॉलेज पहले हो चुके थे, उनका मानना था कि केतन देसाई जी ने जिस तरीके से इस MCI को एक स्वरूप दिया, जो आप कह रहे थे मनमानी रोकी, तो निश्चित रूप से इस MCI को मजबूत करने में देसाई जी का बड़ा योगदान है। उनको साइडलाइन करना या उनके प्रभाव को कम करना या उनकी टीम के प्रभाव को कम करना निश्चित रूप से आगे वाले दिनों में MCI के लिए अच्छा नहीं होगा, मेडिकल शिक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, MCI और मेडिकल शिक्षा, सब बड़ी मेडिकल शिक्षा है ना कि MCI है, देश बड़ा है, उस देश की मेडिकल शिक्षा बढ़ाना बड़ा है। MCI उसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी है, भारत सरकार ने बनाई है, उसका काम क्या है कि देश के मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो उसको अलग अलग तरीके से 4 हिस्सों में उन्होंने बांटा, उसमें एक हिस्सा मेडिकल कॉलेज की सीट्स को खोलना है, सीट्स देना है, कॉलेज सही चले ये व्यवस्था तय करनी है, दूसरा एक पार्ट है कि जो उनके सिलेबस को निर्धारित करता है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, वो दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है रजिस्टर करने के लिए, वो अलग पार्ट है। MCI के अलग अलग हिस्से हैं, वो अपना श्रेष्ठ काम करें। मेडिकल शिक्षा में जिस तरीके से कुछ लोगों का प्रभुत्व कम करने के लिए और काला धन खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किए, निश्चित रूप से उनकी जो सुविधाएं हैं, उनका जो अपना वर्चस्व जब खत्म हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं आप पे दबाव डलवाया होगा, राजनीतिक दबाव डलवाया होगा, कुछ और दबाव डलवाया होगा, क्या ऐसे कोई दबाव आप पे आए? ऐसे हजार दबाव भी अगर आ जाए तो उनकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि दबाव में वो व्यक्ति आता है जिसका कोई स्वार्थ हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव काम कर पाया। मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि नेतृत्व और देशभक्त नेतृत्व है कि जो गंभीर रूप से लगातार 24 घंटे इस चीज़ के लिए सोचता और करते रहते हैं कि भारत को वापस अंतर्राष्ट्रीय और विश्व गुरु कैसे बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आप पहली बार सांसद बन के आए हैं लोकसभा में, और पहली बार सांसद बनने के बाद ही आप प्रधानमंत्री जी ने आपको अपने विश्वास की जो टीम है उसमें रखा है, ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने आपको पहली बार में चुन लिया? मुझे कोई कारण नहीं पता, उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो उनकी नज़र रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक आम आदमी जब प्रधानमंत्री जी तक पद पर पहुंचता है तो जो प्रोसेस जिससे वो गुजरे हैं, जो तकलीफें, जो जीवन के उतार चढ़ाव जो उन्होंने देखे हैं, तो उससे शायद मुझे लगता है कि उनकी जो नज़रें हैं, जो उनका एनालिसिस है, वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि उनके साथ काम करना, उनके नेतृत्व में काम करना मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की अभी बात हो रही थी, क्या और भी इस तरीके की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली हैं जिसमें आप
आपको कोई जानकारी हो? देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यदि कोई जिम्मेदारी हमको देंगे तो जिस प्रकार से हमने हेल्थ कमेटी में रहते हुए MCI में रिफॉर्म्स किए हैं, इसी प्रकार से अभी हम एक नए मिशन पर लग रहे हैं। वो मिशन देश की खाद्य सुरक्षा को लेकर है। आम आदमी को जो खाने पीने की चीज़ें मिलती है वो शुद्ध है कि नहीं है? आम व्यापारी जब देश में कुछ अच्छी फूड प्रोडक्ट्स बना के विदेश भेजना चाहता है तो किस प्रकार से उसको प्रमोशन मिले, किस प्रकार से हमारा देश का बना हुआ खाने पीने की वस्तुएं पूरी दुनिया में निर्यात बढ़े, किस प्रकार से जो विदेशों जो खाने पीने की चीज़ें हमारे देश में आ रही है उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। आम आदमी नागरिक जब दूध पीता है या मिनरल वाटर पीता है या दही लेता है या मिठाई खाता है या रोज़ खाने पीने की चीज़ों से उसका वास्ता पड़ता है, उसको वो किस प्रकार शुद्ध मिले, इस चीज़ को हमने इस बार मिशन बनाया है। तो हम मानेंगे प्रधानमंत्री जी देश हित में अभी और कई सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी, एक ऑपरेशन के बाद में दूसरा और दूसरे के बाद में तीसरा, देश को बनाने के लिए जितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे सारे करेंगे। धन्यवाद राजौरिया जी समय संवाद में बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर मनोज राजौरिया जी। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी देश और समाज हित में अभी कई और सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय UP उत्तराखंड सहारा प्रणाम।